जिंदगी दे विच सब कुछ बन जाईदा है, सब कुछ प्राप्त कर लईदा है। हुण बच्चे ने सीधा जाके मास्टर नाल संपर्क किया ते कहण लगा जी भी मैनू ये भी बना दिओ ते मैनू वो भी दे दिओ। उन्हें कहा पुत्र बनेगा पढ़ के ते जो खट्टे कमावेगा तेनू सारा कुछ मिल भी जाएगा। वो कहिंदा फिर मास्टर जी उहदे विच तुहाडा की काम है जे मैं आप ही पढ़ के बनना है ते आप ही कमा के मैं प्राप्त करना है ते फिर तुहाडी उहदे विच की लोड़ है। असी जिन्ने गुरुद्वारे आउने आ असी आप कुछ नहीं करना चाहते। मैं तो रोज़ बेनती करदा भी असी तां पाठ ही पढ़ते हाँ कि बाबा टल पक्कियां पकाइयां कल, जेड़ा गुरु कहिंदा किरत करो असी उस गुरु कोल आके कहने भी सानू तां कुछ करना पवे ही ना, बस तुसी सीधी सप्लाई मेरे घर नूं कर दिओ भी सारा माल मत्ता सीधा ही तुर पवे। सो ये वाजिब नहीं हैगा, ये ठीक नहीं हैगा, ये जायज नहीं है। किन्ने सानू पढ़ाता किवें असी ये गल्लां पढ़ गए। सच्चे पातशाह ने सानू उपदेश दिता सी, मत बुद्ध दिती सी। ये दो सिख ने एक दा नां भाई फिरिया है, दूजे दा नां भाई कटारा है। गुरु दे घर विच रहिंदे ने, गुरु दी सेवा करदे ने। हुण गुरु दे घर विच रहना, मैं तकरीबन ही बेनती करदा भी इह तां गुरु अमरदास जी तों सानूं सिखणा पवेगा कि तुहाडे घर विच गुरु रामदास किवें रहे। सेवा गुरु अंगद साहब जी तो सीखनी पैनी कि गुरु अमरदास जी ने किवें कीती। कोई है साढ़े च जिहड़ा 12 साल सेवा करेगा? इन्हां ते साडा टैंपरी नहीं हैगा। वेखो ना, इन्नी तां साडे विच उड़ीक ही नहीं हैगी, धीरज ही नहीं हैगा, पेशेंस ही नहीं हैगी। इन्नी पेशेंस नहीं असीं रखदे कि 12 साल वेट कर दे रही है। असी तो चाहते भी कोई धागा दियो, कोई तवीत दियो, कोई लाची दियो, कोई फूक मारो, कोई फांडा करो। तो जहाँ जिमें मदारी होंदे ने चौंक विच, उन्हां दे वांग दो तीन शब्द बोलो तो चीज़ जिहड़ी ओह तली ते रख दियो। यही कारण है कि असी धर्म का रस्ता छड़ दिता है। धर्म दे विच पाठ उल्टा है, इत्थे सत है, संतोख है, दया है, धर्म है, धीरज है, ठहराओ है। असी इस रस्ते जाते ही नहीं। तो ये जेडे सिख ने, इन्हां ने गुरु दे घर विच रह के सेवा कीती है, सेवा प्रवान होई है। सिख हुते दोए फेरिया कटारा, सेवत रहे बहुत गुरुद्वारा। भाई फिरिया ते भाई कटारा दो सिख ने, गुरु दे दर ते रहंदे ने ते गुरु दी सेवा करदे ने। असी तां गुरुद्वारे आउणा ही बहुत वड्डी प्राप्ति समझदे आ, और इसे गल नूं असी लोकां दे विच सुणाउने वी आ भी मैं ते रोज़ गुरुद्वारे जाना। तो जी अगला सियाणा बंदा पुछे भी करदा की है, भी गुरुद्वारे तो रोज़ जाना है, करदा की है? तो करदा ये भी दो ब्रैड पकौड़े खा ली दे ने, दो पल्ले बन ली दे ने दोपहर जोगे। गुरु दे घर विच जाण दा एक तरीका कि किसी स्कूल कॉलेज किसी थां भी तुसीं इदां जाने हो जिवें गुरुद्वारे जाने हो भी फिर तुर के आ जाओ। सिर्फ असी गुरुद्वारे की एक थां ऐसी बनाई है कि असी फिर तुर के चले जाने हैं।
फिर कहने जी प्राप्ति नहीं हुई भी प्राप्ति तो ता होवे जे प्राप्त करन आए होवो तुसी ता तुहाडे सामने है कि जिदन बच्चिया ने पढ़ना हुंदा है उदन उस जिन्ने पीरियड हुंदे ने उदियां किताबां कापियां नोटबुकां वो सवेरे उठ के बच्चे अपना बैग चैक करते हैं लैके आते हैं पर जिदन पिकनिक ते जाना हुंदा है उधर वेख्या तुसी कदे बच्चिया ने पढ़ाई वाला बस्ता चुकिया होवे वही हालत साड़ी है असी पढ़ाई वाला बस्ता तो चुकते ही नहीं तुहाडे सामने तुहाडे घरों बच्चे जाते ने पढ़न जाते ने उहदा तरीका होर है पिकनिक ते जाते ने उहदा तरीका होर है एक गल होर भी है कई बार बच्चे घरों खेडन जाते ने जो घरों खेडन जाते ने फिर वह कपड़े भी स्पोर्ट्स वाले पाते ने फिर वो अपनी किट भी चुकते ने नाल सानू तो भी नहीं पता भी असी गुरुद्वारे लैन की आने कोई निकर पा के तुरिया आंदा है कोई पार्टी पेंट पा के तुरिया आंदा है कोई मोबाइल ते चढ़िया तुरिया आंदा है फिर आके असी लड़ते हैं फिर असी आके झगड़ा भी करते हैं और दुनिया च कोई थान नहीं है किसी मॉल च जाके तुसी झगड़ा किया कदे किसी संस्था विच किते जाके तुसी झगड़ा करदे हो ना तो फिर गुरुद्वारा एदा किदा हक मिल गया आपां कि आपां मर्जी भी करांगे झगड़ा भी करांगे तो फिर असी बख्शिश भी चाहुंदे आ जे भाई बख्शिश चाहुंदे हो तो कुछ गल्लां दी अपने विच दुरुस्ती कर लो थोड़ा जिहा अपने विच बदलाव कर लो ये दो सिख ने गुरु दे दर ते रहिंदे ने गुरु दे घर विच सेवा करदे ने सेवा तो उत्तम कोई भेटा नहीं है ये मत पे किसी भुलेखे च पैना कि सेवा तो उत्तम भी कोई वस्तु हो सकती है नहीं बाकी सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने वो पिछों ने सब तो उत्तम जिहड़ी है वो जां सेवा है जां सिमरन है। एक दिन तिन को देख गुसाई पए प्रसन्न बख्श बेताई। एक दिन गुरु अमरदास महाराज जी की नज़र विच प्रवान चढ़ गए किते सतगुरां दे नेत्रां दे अखां दे सामने ओ लंघे होणगे किते सतगुरु जी दे नेत्रां दे सामने अखां दे सामने सेवा करते होंगे। गुरु अमरदास महाराज के घर प्रवान चढ़ गए। देखो जदों भी तुहानू चीज़ पसंद आती है सब तो पहला वेख के आती है कई चीज़ा दुनिया च बड़िया गुणकारी ने पर असी नहीं खा सकते आ जिहड़े दुनिया च सूप पीते ने सब तो वधिया सप का सूप है जे मेरी गल ते ना विश्वास होवे ते तुसी सर्च कर सकते हो बिल्कुल ताजे सप अगलिया ने इवें टंगे हुए ने जिवें अल्लां हुंदियां ने जिवें लंबे लंबे कद्दू हुंदे ने तुहाडे सामने अगला सप कढेगा सिरी वढेगा कप च पाएगा ते तुहानू फड़ा देगा पर की आपां खा सकते हैं। हुण अगले तो भी कहिंदे ने भी चॉकलेट विच काकरोच हुंदे ने हुण जिहड़े खांदे ने सासी उहनां नूं नफरत करदे आ पर जिहड़े खांदे ने मुल खरीद के खांदे ने। कोई भी चीज़ जिहड़ी तुहानूं पसंद आउंदी है पहलां तुहाडियां अक्खां दे गोचरे हुंदी है जिहड़ी चीज़ तुहाडियां अक्खां नूं अच्छी नहीं लगदी वो जिन्नी लख मर्जी चंगी होवे आपां कहिंदे नहीं यार मैनूं तां वेखण नूं चीज़ पसंद नहीं हैगी वो असी कपड़ा नहीं पाउंदे उस व्यक्ति नाल असी मिलना जुलना नहीं चाहुंदे उहदे नाल असी कोई अपनी रिश्तेदारी नहीं बनाउणा चाहुंदे जिहड़ी चीज़ साडियां अखां नूं ना चंगी लगे उस थ्री व्हीलर टैक्सी 'च असी बहिणा नहीं चाहुंदे जिहड़ा व्यक्ति ना चंगा लगे उहदे हत्थों असी पानी नहीं पीणा चाहुंदे। पहली जिहड़ी प्रवानगी है वह तुहाडियां अक्खां दिंदियां ने असी इस गल की अहमियत नूं समझदे नहीं पढ़ते जरूर हाँ
कि जिन को नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर रहा। गुरु ने जदों भी प्रवान किया नेत्रां नाल किया। जिहड़ी बख्शिश बंदे बहादुर ते कीती, जिहड़ी पहली बख्शिश होई है वह दृष्टि दी होई है, ध्यान दी होई है। अज भी किन्ना कुछ है, रेकी का इलाज है वह किवें हुंदा है दसो, ध्यान नाल ही हुंदा है। जिनी मैडिटेशन कादे नाल हुंदी है, ध्यान नाल ही हुंदी है। जिनी आप जिहड़ी हिपनोटाइज जिहड़ी विद्या है वह की है, वह भी अखां नाल ही हुंदी है। आ जादू दे जिन्ने ट्रिक ने सारे ये अखां दी करामात हो रहा की है कि सामने वाले बंदे नूं वह पागल जिहा बना लैंदे ने। वह हुण तो वह लोग भी सामने आ गए जिहड़े कहिंदे ने भाई आ कम असीं इदां करदे आ। पर असीं इस गल नूं समझण लई तैयार नहीं। धर्म की दुनिया के विच नेत्रां की बड़ी महानता है। इस करके गुरु के दर्शनों का कितना वड्डा पुन फल है। पर साड़ी बदकिस्मती असी गुरुद्वारे चंद्र वड़दे मूँह तां नूं चुक लैने, बल्ले 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 बड़ा सोना लगा भी, दसो सोना वेखण आए हो तुसीं, घरों तुरे तुसीं गुरुद्वारे के गुरु के दर्शन करन वास्ते। सच्चे पातशाह जी की बाणी नूं जदों असी पढ़ांगे फिर समझ आउंदी कि एक दिन तिन को देख गुसाई। एक दिन सच्चे पातशाह ने उन्हां नूं वेख्या, भै प्रसन्न बख्श बेताई। हुण आपां नूं कोई बंदा कहे भी मैं तो रोज़ गुरुद्वारे आउंदा, आपां कहांगे मैं तो कदे वेख्या नहीं, मैं सेवा करदा। वह कहिंदा जी मैं तो कदे वेखी नहीं कि तू सेवा करदा, मैं तो नहीं वेख्या तैनूं सेवा करदा, ना मैं तैनूं भांडे मांजदिआं वेख्या, ना मैं तैनूं आटा गुन्नदिआं वेख्या, ना मैं तैनूं झाड़ू मारदिआं वेख्या। भाई एक दिन सच्चे पातशाह जी ने तकिया, सच्चे पातशाह प्रसन्न होए, त्रुठे ने खुश होए ने। हाँ जी, निकट बुलाए बूझन ठाने, जहां तुम्हारे रहना ठिकाने। हुण सतगुरु कुछ देना चाहते ने। हुण वेखो किन्ना फर्क है, असीं मंगना चाहते हाँ, साडा सुभा है। मैं तो कई बार आप जी नूं बेनती की है भी एक निहंग सिंह बाणे दे विच कोई व्यक्ति आ गया, कहिंदा माई कढ रुपया। हुण माई ने सन्मान किया, वह अंदर गई कोठे विच रुपया लियाई, कहिंदी लो बाबा जी। कहिंदा माई मंग मुके नहीं लैंदे असीं। कहिंदा फिर, कहिंदा माई उत्थे रख दे। माई ने वेड़े च रख दिता। निहंग सिंह ने अपनी कृपान कढ़ी, वह गतका खेडन लग गया, चार पलाकियां इहनू मारियां, चार इहनू मारियां, कोई थोड़ी बहुती श्री साहब घुमाई तो मुड़ के जाके रुपया चुक लिया। कहिंदा माई लुट खो के खाईदा, मंग के थोड़ा खाने असीं। साडी तो गुरुद्वारे हालत जाते फिर ये भी जोरी मंगे दान भी ला लो। मैं तो आप जी को बेनती की थी भी अरदास भी इदा ही की जाती है, वाहेगुरु जी भी दसो भी बांह मरोड़ नहीं वाहेगुरु जी की। तुम मंगया हमेशा नीवी आवाज करके जाता है, धौन नवा के आवाज घटा के पैर जोड़ के हाथ जोड़ के कदे लक ते हाथ रख के भी मंगया जाता है। कोई आदमी ढाका ते हाथ रख के कहे कि महाराज जी मैनू एक रुपया चाहिए, कहूगा पहला सीधा तो हो। मंगना भी एक कला है, मंगना भी अपने आप दे विच एक विद्या है। बड़े बड़े लोग ऐसे ने बटाले, हुण तो मैनू पता नहीं, अज तो भी 25 साल पहला मैं अजीत अखबार च गल पढ़ी सी कि मंगदा तेल है छरिछरवार,
ते बटाले वेच उहदी कोठी है, किराए ते उहदियां दुकानां ने, ते मंग दा तेल ही है। मंग मंग के उहने कोठियां ते दुकानां बना लईआं, हुण सानूं मंगियां पाणी वी नहीं मिलदा। ये हकीकत है। कईआं नूं मंगियां दुध वी मिलदा है, कईआं नूं मंगियां, महाराज दी बाणी च लिखिआ है, दर मंगण भिख ना पाएंदा। मंगण जाण ते अगों एक बुक आटे दा नहीं मिलदा। गुरु बख्शदा है, साडी हालत बिल्कुल उल्टी है। असी बख्शिश दे पात्र बनण दी थां ते असी मंगण विच यकीन रखदे हां। और कईआं नूं मैं पुछिआ, इत्थे आके अरदास करनगे पंज पंज मिंट, दस दस मिंट, वी भाई की करदे हो, मगर मत्था टेकण दी लाइन लगी होई है, अरदास करदे हां जी, वी अरदास विच की करदे? मंगदे ही हो ना, शायद सानू नहीं पता। जिहदे दर ते आए हां उह विण बोलिआ सब किछ जाणदा, उहदे बावजूद भी आपां कहीए भी ठीक है जी, वह जाणदा है, पर मैनूं बेनती करनी चाहीदी। भी की फिर बेनती रोज़ करनी चाहीदी है? तुसी अपलाई करदे हो, तुसी किते एप्लीकेशन दिंदे हो, तुसी किते कोई बेनती पत्र लिखदे हो, किते चिट्ठी पाउंदे हो, तां की तुसी, हाँ ये तो जरूर पता करदे हो भी मेरी चिट्ठी का की होया, पर वो नवीं चिट्ठी लैके थोड़ा जाने हो तुसी? ये तो नवा काम हो गया भी रोज़ ही 15 मिनट लाने शुरू कर दियो। दुनियावी तौर पर भी ये गल्लां जिहड़ियां ने ये ठीक नहीं हैगियां। सिखा तेरा आना आके मत्था टेकना, मत्था टेकना बहुत वड्डा पुन्न है। मैं तो पिछले दिन भी बेनती की सी कि बिना मंगण तो मत्था टेको, बिना मंगण तो, बिना लालच तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਹੁਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਓ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਪੁੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, बिना गलती तो मत्था टेकोगे झोली भर जाएगी, पर जे गलती करके भी मत्था टेकोगे तो माफ़ी मिल जाएगी। दसो होर की चाहिए, गलती हो गई तो जाके पैर फट लो, गल खत्म हो गई। मत्था टेकना एडी वड्डी गुरु ने सानू दात दिती है। तो सच्चे पातशाह महाराज ने सिखा नू बुलाया, सिखा नूं वेख के गुरु जी प्रसन्न होए। किहड़ा मां बाप है जिहड़ा अपने बच्चों नूं वेख के खुश नहीं हुंदा? जदों तुहाडा पिता तुहानूं बुलाएगा तुसीं की सोचदे वी कहूगा इत्थे तनखाह रख दे मेरे कोले, लै कढ तेरे को की हैगा, मैं जिहड़ा मेरे कोल बवे ना मैं उहनूं अपना परस विखाउंदा हुंदा। इह हुण मैं बहुती वारी उह चलाण दे पैसे जरूर रख लैंदा क्योंकि एक दो वारी मैनूं दिक्कत आ गई, पर इहदे तों बिना मेरे कोल एक रुपया भी, एक 5 रुपये भी ने, एक 100 रुपया भी है, ये बजुर्गों ने दिता है मैनूं और मैं संभाल के रखिया होया। वड्डे थोड़े तो मंगदे नहीं है, वह थोनों दिंदे ने, ये वक्री गल है भी उन्हां दे देण दी गल तुहाडी कीमत विच हैगी कि नहीं हैगी।